जय श्री कृष्णा गीता ग्रहण गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत है। दिनांक 4/11/2020 में आपका फिर स्वागत है गीता धर्म गुरुकुल कक्षा 7 पाठ नंबर 6 और इस सब्जेक्ट हिंदी, इसके मैं आपको लेसन पूरा करवा चुका हूँ। रक्त और हमारा शरीर और कुछ क्वेश्चन भी मैं दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप याद करेंगे लिख लिया होगा। अब मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें आपको अपनी कॉपी में करना है। स्लाइड कांच की पतली सी छोटी पट्टी, स्लाइड बोल क्या होता है, एक जो खून जांच करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। कांच की छोटी पतली होती है, इसमें जो दस्तखत देना एंड खटखटाना, क्या करना है, दस्तखत देना किसी घर पे खटखटाना। और एनीमिया है खून की कमी से होने वाली बीमारी, क्या है, खून से कमी से। और जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, क्या है, जानने की इच्छा। संतुलित आहार वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित हो, यानी सब चीज़ खाने पीने की चीज़ अच्छा भोजन होना चाहिए, जैसे काजू बादाम किशमिश और हरी सब्जियाँ, है ना, हरी सब्जियां हैं, गाजर है और मूली वगैरह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मूली वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद में त्वचा मतलब होता है खाल या चमड़ी, और ब्लड बैंक का मतलब होता है रक्त दान भंडार, जो रक्त को खून की बैंक होती है, जो खून को जमा रखती है उसको बोलते हैं ब्लड बैंक। निराधार बिना आधार के गलत, क्या है, बिना आधार के गलत, यानी कोई प्रकार का आधार नहीं है, उसका मतलब होता है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं उसका मतलब क्या होता है, निराधार। रोगाणु यानी कीटाणु, क्या होता है, कीटाणु। और पीठ रोगना यानी शाबाशी देना, क्या होता है, शाबाशी देना। दिव्या को बीमारी, अब देखो अन्य प्रश्न दिए हुए हैं, इससे छोटे छोटे 4 प्रश्न दे रखे मैंने, इसमें से आपको ए बी सी डी भरना है। दिव्या को बीमारी हो गई थी, अब क्या बीमारी हो गई थी, इसमें अपने को किताब मैंने पढ़ाया था आपको, डेंगू खांसी बुखार एनीमिया, अब जो भी है उसमें ए बी सी के खे गे में से जो है उसमें खाली जगह में भरना है, क्या भरना है, जो है उसमें जैसे खाली जगह में भरना है, जैसे अगर एनीमिया का होगा बड़ा गे भरोगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट में ये रक्त के तरल भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, या सफ़ेद कण कहते हैं, लाल कण, जो भी है एक्स वाई जेड आपको अच्छा सही लगे, और जो आपने पढ़ाया मैंने उसमें, तो उसमें से आपको दोनों में से यहाँ ऑप्शन भरना है, चारों में से। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया से होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, एनीमिया से होने का कौन सा विशेष कारण, वो आपको भरना है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, पौष्टिक आहार की कमी, पेट में कीड़े हो जाना और लाल कणों की अधिकता, क्या है, लाल कणों की अधिकता। अब आज में इसमें आपको कौन सा भरना है, ए बी सी डी जो भी आपको लगे वो भरना है। हमारे शरीर में खून होता है 5 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, 6 लीटर होता है, 2 लीटर होता है, कितना होता है, अब इसमें आपको दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको पाठ पढ़ाते समय, वो जो पढ़ाया उसी का आपको ध्यान रखते हुए इसमें उत्तर आपको लिखना है। खाली जगह भरनी है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन इसमें भरना है। रक्त लाल, अब इसमें द्रव और द्रव्य दो होता है, द्रव और द्रव्य दो होता है, इसमें जो सही लगे उत्तर है उसको किताब में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया आपको, उसमें से आपको सही लगे वही आंसर उसमें लिखना है, दोनों ऑप्शन में से एक करना है। कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, किसको, कमी होती है ना उसको क्या कहते हैं, एनीमिया, क्या कहते हैं, एनीमिया। लाल या सफ़ेद कौन सा कण है जिसकी कमी से हमें एनीमिया बीमारी होती है, मैंने पाठ पढ़ाया था आपको। दबाव पड़ने से का बहना कम हो जाता है, वक्त या रक्त है, दोनों में से क्या आएगा, अब सीधे सी बात है किसका बहना, रक्त का मतलब होता है खून और वक्त का मतलब होता है समय है, तो इसमें क्या होता है, जो उत्तर आएगा उसको आपको लिखना है, क्या है, जो भी आपको उत्तर उचित और सही होना चाहिए वो आपको लिखना है।
नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सिक्स में डॉक्टर दीदी के पास कौन गया था, कौन गए थे डॉक्टर दीदी के पास में? दिव्या और अनिल। दिव्या उसकी छोटी बहन थी, अनिल उसका बड़ा भाई था, और वो दोनों गए। क्यों गए थे? कि उनको एक बीमारी हो गई थी और बीमारी की जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास में गए थे, और दीदी उनकी मिलने वाली थी। इसलिए प्लेटलेट का कण कहाँ पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? खून में, रक्त में। किसमें पाए जाते हैं? खून में, रक्त में। किसमें पाए जाते हैं? खून या रक्त में पाए जाते हैं। शरीर में हर समय किसका निर्माण होता रहता है? शरीर में, हमारे शरीर है किसमें? तो नए रक्त कणों का। किसका? पुराने रक्त कण खत्म होते रहते हैं या साइड में होते रहते हैं, और नए रक्त कण। अगर हम खून देते हैं किसी को, उसका और भी ज़्यादा हमें फायदा होता है कि कम से कम ज़्यादा खून नहीं होने से शरीर में कई बीमारी से भी बचा जाता है। अब प्रश्न नंबर 9, कितने वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? कितने कर सकता है? 18 वर्ष का व्यक्ति या उसके ऊपर आयु, या इसके ऊपर वाला आयु 18 वर्ष लेके लगभग 40 वर्ष तक तो रक्तदान कर ही सकता है। अगर कोई स्वस्थ है तो 50 भी कर सकता है, और इसमें भी स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। जिन रक्त कणों का कोई रंग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिन रक्त कणों का कोई रक्त नहीं होता है उन्हें विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। विमाणु क्या है? विमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाणु। क्या कहते हैं? विमाणु कहते हैं। जिन रक्त कणों का कोई रक्त नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? विमाणु। क्या कहते हैं? विमाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट कण कहते हैं। नेक्स्ट में प्रश्न नंबर ग्यारह, रक्त को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया है? रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। किसमें? है ए बी सी या ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ, यानी इसमें ए बी और एक ब्लास्ट का होता है ओ, जिसका सबके पास में मिलता है। उसी प्रकार से अलग अलग रक्त में अलग अलग काम में आते हैं। शरीर के रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है? शरीर में हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा होती है। क्या होती है? हड्डियों के बीच में मज्जा होती है, उसी में रक्त कणों की निर्माण होता है। किसमें होता है? उसी में रक्त कणों की निर्माण होती है। सफ़ेद रक्त कण शरीर में क्या कार्य करते हैं? सफ़ेद रक्त कण शरीर में क्या कार्य करते हैं? सफ़ेद रक्त कण शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते हैं। किसको? रोगाणु को। साथ ही बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सी बीमारियों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विमाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में किसी भाग में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने से रोकना, यानी विमाणु का मुख्य कार्य होता है शरीर में कोई प्रकार की चोट लगती है उसको रक्त कार्य को रोकने के लिए, किसके लिए? थप्पा बनाने के, थक्का बनता है उसको रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लाल रक्त कण शरीर के लिए क्या 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 कार्य करते हैं? लाल रक्त कण रात और दिन काम करके सांस लेने पर जो ऑक्सीजन शरीर में जाती है उसे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करते हैं? हमारे जो रक्त कण है, जो हम सांस लेते हैं उसको, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जगह जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लाल रक्त कण। ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक मैंने बताया पहले भी, क्योंकि खून की पूर्ति के लिए। ब्लड बैंक आपात स्थिति में खून की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक में खून रखा जाता है, और जब हमें अति आवश्यक होती है तो हम उसमें से खून ले सकते हैं। हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? क्योंकि मानव होने के नाते किसी व्यक्ति के साथ होने वाली दुर्घटना या बीमारी के कारण उसके शरीर, उसके जीवन रक्षण के लिए, किसके लिए? उसकी जीवन रक्षा के लिए हमें रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर रक्त ब्लड बैंकों से लिया जाता है, और ब्लड बैंकों में खून की कमी न होने पाए इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। किसके लिए? एक बीमार आदमी के लिए, या कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए। और हमें बैंक में बार बार खून देने से क्या है, बैंक में हमारा खून जमा रहेगा और कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इसी प्रकार से
रक्त और हमारा शरीर पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक आहार किससे मिलता है? पौष्टिक आहार भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पौष्टिक आहार भोजन करना चाहिए जिससे शरीर में खून की कमी न हो और बीमारियां भी नहीं हो। परोपकार की दृष्टि से हमें 18 वर्ष के बाद से रक्तदान करते रहना चाहिए जिससे हमें दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्ति जिसके शरीर में खून की कमी आ गई हो को जीवन दान मिल सकता है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पढ़ाऊँगा।